देखिए दोस्तों कितना शानदार वाटरफॉल है ये। ये है बेंडेवाड़ी वाटरफॉल। तो दोस्तों बेंडेवाड़ी जाते समय एक और वाटरफॉल दिखा, ये उसका पानी है। देखिए कितना कितना ज़्यादा फोर्स में आ रहा है ये। देखिए दोस्तों ये है काबे केव्स का वाटरफॉल, कितना शानदार लोकेशन है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। यहाँ पे हेवी बारिश हो रही है पुणे में, तो आज बाइक राइड से मैं नहीं जा रहा हूँ, बाइक से नहीं जा रहा हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं मैं आज कार से निकला हूँ एक डेस्टिनेशन के लिए। छोटा सा डेस्टिनेशन है 60 किलोमीटर फ्रॉम माय होम। हेवी रेन को देखते हुए ज़्यादा लंबा मतलब जाने का मैंने नहीं सोचा और अकेला ही हूँ आज, इट्स अ सोलो काइंड ऑफ। जैसे आप देख पा रहे हैं बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो पता नहीं, मैं कभी कभी सोच रहा हूँ कि पता नहीं जाना पॉसिबल, मतलब जा तो रहा हूँ मैं कार में, बट जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे आपको मैं बताऊँगा आगे, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, वीडियो में आगे मैं आपको बताऊँगा। तो वहां पे जाना पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ फॉर अनदर सीनिक ड्राइव। तो दोस्तों अभी मैं सोमाटे फाटा में हूं एंड ड्राइविंग टुवार्ड्स लोनावला। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूं बेंडेवाड़ी वाटरफॉल। बेंडेवाड़ी वाटरफॉल बहुत ही यूजर फ्रेंडली काइंड ऑफ वाटरफॉल है, बट बारिश कम हो तो फिर मजा आए वहां पे जाने का। मैं यूजर फ्रेंडली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा चलना नहीं पड़ता है आपको। इसमें बुजुर्ग लोग भी जा सकते हैं, बच्चे हैं वो भी जा सकते हैं, ऑब्वियसली जवान तो जा ही सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, गांव के पास में ही है, जो एक खूबसूरत सा गांव है बेंडेवाड़ी, बेंडेवाड़ी में ही आता है ये वाटरफॉल। और इसकी खासियत क्या है वाटरफॉल, क्या है वाटरफॉल के पीछे भी जा सकते हैं। वाटरफॉल के पीछे एक छोटा सा केव जैसा है, इसमें आप जाके वाटरफॉल को पीछे से देख सकते हैं, पानी आपके आगे गिर रहा होता है। तो देखिए दोस्तों बारिश तो बहुत तेज हो रही है, अगर रेनकोट तो मैं कैरी कर रहा हूँ एंड अम्ब्रेला भी, तो लेट्स सी कैसा क्या होता है आपको मैं बताऊंगा। और बेंडेवाड़ी जाते समय और भी डिफरेंट वाटरफॉल्स आते हैं। एक तो जगताप वाटरफॉल है जिसको मैंने खंडी वाटरफॉल खंडी पॉइंट पे जब जा रहा था तो कवर किया था। आपने मेरा अगर खंडी पॉइंट का वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। खंडी पॉइंट बहुत ही खूबसूरत हिल व्यू पॉइंट है। अभी तो जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक तो बारिश है, ऊपर से पूरा फॉग रहेगा, तो खंडी पॉइंट पे ऐसा कुछ दिखेगा नहीं आपको, बट जब मौसम साफ हो तब आप खंडी पॉइंट ऑप्ट कर सकते हैं जाने का। तो बेंडेवाड़ी वाटरफॉल जो आता है ये खंडी पॉइंट जाते समय ही ऑन द वे आता है। एक गाँव है, गाँव में जाना पड़ता है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली पार्किंग का 50 रुपीज़ देना पड़ता है फोर व्हीलर का, एंड जो गांव के लोकलाइट्स हैं वो एंट्री चार्जेस 20 रुपीज़ लेते हैं। तो बिकॉज जो वाटरफॉल है ये वही लोग मेंटेन करते हैं, साफ सफाई एवरीथिंग दे टेक केयर। जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश बहुत तेज हो रही है,
हर एक चीज का प्रॉस एंड कॉन्स है। तो बारिश में घूमने का मजा अलग है, बट भीगने का डर भी है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ एक और खूबसूरत ट्रिप के लिए। इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो माई ब्लॉग्स प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल ASP_blog007। एंड आप मेरे चैनल को द फनी वंडरर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जब थंडी पॉइंट की तरफ जाएंगे तो आपको दो रूट दिखाता है जो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है वहां से। पहला वाला जो राइट है उसमें रेलवे क्रॉसिंग नहीं आता है, तो वो सबवे के नीचे से रोड निकल जाता है। इस रोड पे रिस्क ये है कि आप अगर टू व्हीलर से आते हैं तो सबवे के नीचे पानी जाम हो सकता है, पानी जमा हो सकता है। बट सेकेंड वाला जो राइट है जो गूगल मैप बाय डिफॉल्ट नहीं दिखाता है, गूगल मैप जो है आप अगर आएंगे गूगल मैप तो बाय डिफॉल्ट आपको फर्स्ट वाला ही राइट दिखाएगा। लेकिन अगर आप आपकी कार में या फिर आप मैप माई इंडिया यूज करते हैं देन वो आपको रेलवे क्रॉसिंग वाला रूट दिखाता है, और उसमें टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है बिकॉज रेलवे क्रॉसिंग बंद होता है, ट्रेन आ रही होती है, ट्रैफिक होता है। तो ये देखिए दोस्तों ये सबवे आ गया है, तो सबवे के ऊपर जो है रेलवे लाइन है एक्चुअली। तो ये हम रेलवे लाइन के नीचे से सब ये देखिए पानी जमा है, इसलिए ये रोड अवॉइड करते हैं लोग। बट ये रोड अच्छा है दोस्तों, आप इसमें गड्ढे नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं इसके नीचे से। और ये मैंने रेलवे लाइन को क्रॉस कर लिया। आप अगर अल्टरनेट रूट से आएंगे आगे वाले रूट से तो उसमें रेलवे क्रॉसिंग बीच में आएगा एंड आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। सो दैट्स अ सजेशन फ्रॉम माय साइड बिकॉज मैं थंडी पॉइंट पहले एटलीस्ट 5 times आया हूँ, तो मुझे रूट्स का यहाँ पे अच्छा आइडिया है कि थंडी पॉइंट के लिए बेटर रूट कौन सा है। इवन फॉर थंडी पॉइंट जो नॉर्मल गूगल मैप दिखाता है रूट, ये सबवे से नीचे जाने का तो ठीक है बट आगे जाके जो दिखाता है दैट्स अ कन्वेंशनल रूट। बारिश में आप ये रूट ऑप्ट कर सकते हैं बिकॉज इस पे मल्टीपल वाटरफॉल्स आते हैं। एक अल्टरनेट रूट भी है खंडी पॉइंट जाने का जो मैंने मेरे ब्लॉग में शेयर किया है, तो आप मेरा खंडी पॉइंट का ब्लॉग आप देख सकते हैं जैसा मैंने पहले बताया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं बेंडेवाड़ी की तरफ ड्राइव कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे वाटरफॉल्स आते हैं इस रोड पे। तो अभी एक वाटरफॉल आने वाला है, उसको बोलते हैं माऊ वाटरफॉल, MAU माऊ। ये आपको सिर्फ गूगल मैप में मिलेगा, और अगर आप मैप माई इंडिया में सर्च करते हैं देन ये लोकेशन आपको नहीं दिखने वाला है। तो अभी देखता हूँ दोस्तों वाटरफॉल के पास जा पाता हूँ या नहीं, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत तेज हो रही है। और आगे देखिए कुछ बाइकर्स भी हैं जो उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए जो इतनी बारिश में भी घूमने के लिए आए। मैं भी जाता था बट somehow मेरे कैमरे का माइक जो है वो बारिश में बंद हो जाता है काम करना, तो आई प्रेफर टू कम इन कार। देखिए दोस्तों ये सामने जो वाटरफॉल दिख रहा है बड़ा सा, इसको माऊ वाटरफॉल बोलते हैं। मैं वहां पास जाके आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों वो मेन रोड है, वहाँ पे मैंने एक कार पार्क किया है और ये वाटरफॉल की तरफ चलते चलते जा रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों ये बहुत शानदार होने वाला है ये सीन, ये वाटरफॉल, इसका नाम है माऊ वाटरफॉल। लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं MAU माऊ वाटरफॉल। बारिश बहुत तेज हो रही है इसलिए मैंने रेनकोट पहन रखा है, और कैमरे के लेंस पे पानी ना आए इसके लिए मैंने छाता भी लगा रखा है ऊपर सिर्फ आपके लिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पे जब आते हैं तो आपको स्पोर्ट्स शू या फिर ट्रेकिंग शूज पहन के आना चाहिए, चप्पल या स्लीपर पहन के नहीं आइए, क्योंकि ये पत्थर और मिट्टी के कारण
थोड़ा स्लिपरी हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये है वाटरफॉल, माउंट वाटरफॉल। और आगे जाके मैं बताता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों ये था माउ वाटरफॉल और लिटरली यहाँ पे कोई भी नहीं था, मैं अकेला था यहाँ पे और बारिश का पानी बहुत ज़्यादा तेज़ था, इस रीज़न से मैं निकल आया वहाँ से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये पानी का फोर्स बढ़ रहा है और मे भी शायद मेरा वहम हो क्योंकि मैं अकेला था और एक्चुअली में वाटरफॉल बहुत भयावह था। तो दोस्तों आप यहाँ फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं और जैसा आप देख रहे हैं ये रोड से एक बहुत पास है। तो दोस्तों आगे का मेरा स्टॉप है बेंडेवाड़ी वाटरफॉल, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, आपको मिले चलता हूँ बेंडेवाड़ी वाटरफॉल। तो देखिए दोस्तों ये रोड पे आपको इतने वाटरफॉल दिखेंगे अगर मौसम साफ हो तो। ये जो आप पूरा स्ट्रेच है जो आप सामने देख रहे हैं पूरा वाटरफॉल से भरा हुआ है, जहां जहां भी आपको पहाड़ पे पानी दिख रहा है वो अलग अलग वाटरफॉल है, एक्चुअली इट्स एरेना ऑफ वाटरफॉल। सेम रोड दोस्तों खंडी पॉइंट को भी जाता है, तो आप खंडी पॉइंट भी जा सकते हैं ऑब्वियसली। ये देखिए दोस्तों सामने एक बड़ा वाटरफॉल, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ और बेंडेवाड़ी वाटरफॉल। तो दोस्तों बेंडेवाड़ी जाते समय एक और वाटरफॉल दिखा, ये उसका पानी है, देखिए कितना कितना ज़्यादा फोर्स में आ रहा है ये। और आपको वाटरफॉल दिखाता हूँ दोस्तों, वाटरफॉल कितना खूबसूरत है वो देखिए। ये रोड से बिल्कुल पास है, रोड से ही दिख जाएगा आपको। इसको काबरे केव्स बोलते हैं, ये जो पॉइंट है कि इसको काबरे केव्स बोलते हैं, आप इसको गूगल में सर्च करके आ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों तो दोस्तों बेंडेवाड़ी इज एरेना ऑफ वाटरफॉल। आगे मैं देखता हूँ कहाँ तक जा सकता हूँ मैं। देखिए दोस्तों यह है काबरे केव्स का वाटरफॉल, कितना शानदार लोकेशन है, चढ़ चढ़ के सांस फूल गई मेरी, थोड़ा चढ़ाई पे था। ये देखिए दोस्तों 360 व्यू, मैं और आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि
रास्ता तो दिख रहा है जाने का, बट आई डाउट कि आगे लोग होंगे। एंड जो वाटरफॉल है बहुत ही भयावह दिख रहा है, बहुत बड़ा। तो दोस्तों, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ASP_vlogs007। आप मेरे चैनल को द फनी वंडर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये लोकेशन तो अननोन था मुझे, मेरे लिए जस्ट जाते समय रोड पे दिखा, तो मैंने यहाँ का लोकेशन स्टोर कर लिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर लाइकिंग दिस। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों मेन रोड पे वापस। देखिए दोस्तों, मैं किस रोड से आया था, कैसे आया था। तो अभी नेक्स्ट स्टॉप बेंडेवाड़ी होने वाला है, विच इज़ अप्रॉक्स 7 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। मैं अपने KTM ग्रुप में दोस्तों को बताऊंगा ये लोकेशन के बारे में, जब बारिश नहीं हो तो उनके लिए अच्छा ऑफ रोडिंग ट्रेल हो सकता है ये। देखिए दोस्तों, अभी 2 किलोमीटर में बेंडेवाड़ी आ जाएगा। यहाँ पे क्या मौसम हो रहा है, एक्चुअली ये ज़्यादा हिल पे है, ठंडी पॉइंट से पहले ही आता है बेंडेवाड़ी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जितने भी आपको फॉग जैसे दिख रहे हैं एक्चुअली क्लाउड है। अभी बारिश बंद है थोड़ी, तो सीन्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। बारिश बंद रहे थोड़ी देर के लिए, जब मैं बेंडेवाड़ी वाटरफॉल पे जाऊं तो आपको दोस्तों मैं अच्छा सीन कैप्चर करके दूंगा, आप एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों वाटरफॉल, ये रोड पे इतने वाटरफॉल हैं कि आप गिन गिन के थक जाओगे, बट वाटरफॉल खत्म नहीं होंगे। शानदार लोकेशन है दोस्तों, मत आ जाइए। तामनी घाट पे बहुत रश होगा, बट यहाँ पे रश का सवाल ही नहीं है। तो हम ऑलमोस्ट बेंडेवाड़ी आ चुके हैं। यहाँ पे एक से एक सीनरीज हैं दोस्तों, मैंने कुछ कुछ कैप्चर किए, आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। इतने लोकेशंस हैं, इतने अच्छे लोकेशंस हैं कि हर 100 मीटर्स पे मन करता है रुक जाओ, बट प्रैक्टिकली वी कैन नॉट स्टॉप एवरीवेयर। तो अभी एंट्री पे ₹50 का चार्जिंग देना पड़ा, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, जैसे मैं आपको पहले बताया भी था, पार्किंग के ₹50 देना पड़ता है। और आगे एंट्री पे एक और एंट्री, इन द सेंस आगे मैं जब मैं पैदल जाऊंगा तो ये गांव वाले लेंगे ₹20 के आसपास। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, मैं गाड़ी पार्क करता हूँ फिर आपको ज्वाइन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये पार्किंग है यहाँ पे, ये जो लोकल यहाँ पे जो गांव के लोग हैं वो यहाँ, इन्होंने पार्किंग शेड बना रखा है। लास्ट ईयर पार्किंग
ने शेड भी नहीं था एक्चुअली, बट ये साल बहुत अच्छा है एक्चुअली। और ये सामने मंदिर है, यहाँ पे आप घरगुती आप ये नाश्ता खाना सब खा सकते हैं आप। और ये अंकल हैं, अंकल ने मुझे बोला आने के बाद खाने के लिए, यहीं पे खाऊंगा मैं। अभी देखिए दोस्तों, अभी जा रहा हूँ भिंडीवाड़ी वाटरफॉल की तरफ। और भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और ये बहुत ही आसान रास्ता है वाटरफॉल तक जाने का, और बहुत यूज़र फ्रेंडली काइंड ऑफ वाटरफॉल है। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 20 रुपये देने पड़ते हैं, तो विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, जैसा मैं आपको पहले बताया था। और ये छोटा सा रास्ता है, यहाँ से आप पैदल पैदल वाटरफॉल तक जा सकते हैं। उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि पानी बढ़ गया है तो पानी के अंदर मत जाना, पानी के अंदर मैं वैसे भी नहीं जाता। ये दोस्तों कुछ लोग हैं जो अपनी फोटोग्राफी कर रहे हैं, बारिश भी तेज़ है, हवा भी तेज़ है और पानी भी बह रहा है। नहीं आपने आप शूट कर रहे थे ना, इसलिए मैं रुक गया। ना नो प्रॉब्लम, नो इशू। ये देखिए दोस्तों, ये छोटा सा वाटर क्रॉसिंग होता है। आप इजीली चल के जा सकते हैं। मेरे शूज़ में पानी घुस गया है, लेकिन मैंने जो सॉक्स पहना है वो वाटर प्रूफ है, तो पैर तो सूखा है मेरा, बट अंदर मुझे फील हो रहा है कि शूज़ के अंदर पानी घुस गया है। ये देखिए दोस्तों, वही वो वाटरफॉल है। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों, हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं वाटरफॉल तक, आपको मैं आगे दिखाता हूँ। हार्डली 200-300 मीटर रहेगा, एंड पानी की वजह से आपको दिख रहा है रोड थोड़ा सा ऐसा, बट ये जो जाने का रास्ता है, रोड नहीं बोलेंगे, बट बहुत इजी ग्रेड का ट्रिकिंग है, आप वॉक करते करते जा सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पर, लोग फैमिली के साथ आए यहाँ पे। और अच्छी बात यह है ये वाटरफॉल का, कि आप वाटरफॉल के पीछे जा सकते हैं, पीछे एक केव है, वहाँ जाके आपको मैं बताऊँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना शानदार वाटरफॉल है ये, यह है भिंडीवाड़ी वाटरफॉल। इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASP_vlogs007। मेरे चैनल को आप द फनी वंडरर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। सॉरी सर। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत वाटरफॉल है ये। चलिए आपको आगे ले चलता हूँ।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे रुका भी नहीं जा रहा है। चलिए दोस्तों केव की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले उधर जो सामने आप देख रहे हैं जो बंद किया हुआ है, आगे जाने का रास्ता था, इन्होंने बंद कर दिया है। कुछ एक्सीडेंट हुआ रहेगा मे बी। मेरा पिछले साल का रील है जो मैं डाल दूँगा, लिंक आप देख सकते हैं। पीछे से जाके एकदम वाटरफॉल के पीछे आप जा सकते थे, अभी भी यहाँ से जा सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, मैं वाटरफॉल से पीछे हूँ। तो ये है बेंडेवाड़ी वाटरफॉल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनोरम। फैमिली के साथ आइए आप और एंजॉय कीजिए यहाँ पे। दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं वापस, ये रास्ता है जाने का। आपको मैं रास्ता कवर कर देता हूँ वीडियो में, सो दैट आप अंदाज़ा लगा पाएंगे ये रास्ता कितना सिंपल है। यहाँ लोग स्लीपर में भी आए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल। वाटरफॉल के पीछे भी केव है जहाँ पे, वहाँ पे वो लोग व्यवस्था कर रहे हैं नाश्ते का, जो लोकलाइट्स हैं यहाँ के गांव वाले। लास्ट ईयर जब मैं आया था तो वहाँ पे ऑलरेडी पोहा चाय ये सब नाश्ते का प्रबंध था, अभी वही ट्राई कर रहे हैं वो। तो ये थोड़ा सा पानी के कारण थोड़ा सा जमा हो गया है पानी, बाकी इट्स टू गुड। तो दोस्तों अभी मैं बेंडेवाड़ी वाटरफॉल से वापस आया ये पार्किंग में, और अभी वो अंकल के यहाँ जाऊँगा नाश्ता करने। वैसे मैं बात करके आया हूँ पहले ही, तो पोहा
मैं पोहा खाऊंगा। ये शॉप आप देख सकते हैं, घरगुती मतलब होता है घर का बना हुआ, वेज नॉन वेज एवरीथिंग मिलता है यहाँ पे। ये वो अंकल हैं, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। तो दोस्तों ये अपडेट, मैं यहाँ जैसा मैंने बताया यहाँ पे घरगुती खाना मिलता है, घर का बना हुआ खाना मिलता है, नाश्ता एवरीथिंग मिलता है यहाँ पे। तो अंकल से मेरी बात हुई अभी, जस्ट मैंने पोहा खाया, शानदार पोहा था दोस्तों, बहुत गर्म बहुत टेस्टी, ऐसा लगा मैं अपने घर में ही खा रहा हूँ। एक्चुअली घर का ही पोहा है, घर में बना है, ये होटल नहीं है काइंड ऑफ कि मसाला हो तेल हो ज़्यादा, आप जैसा रिक्वेस्ट करेंगे वैसा बना के देंगे। एंड वेज थाली का अंकल से मैंने पूछा, अंकल ने बताया 250 रुपये लगते हैं, नॉन वेज का 300 रुपये। तो प्राइस वाइज मत जाइए, बट क्वालिटी वाइज इट वाज टू गुड। ठीक है, ये देखिए आंटी चाय लेके आई हैं, तो ये देखिए आंटी को, तो शानदार चाय है दोस्तों, शानदार पोहा था। तो ये घर भी मुझे बहुत पसंद आया, मुझे ऐसे ही घर पसंद है गांव के। तो दोस्तों आप ज़रूर आइए यहाँ पे, यहाँ का मैं ऑलरेडी मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूँगा, मैंने फ़ोटो लिया है। सो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों ये था बेंडेवाड़ी वाटरफॉल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASP_vlogs007। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है बेंडेवाड़ी वाटरफॉल, और यहाँ पे बहुत ही इजी ग्रेड का वाटरफॉल है, इजी ग्रेड का ट्रेकिंग है, आप फैमिली बच्चों के साथ बुजुर्ग के साथ ईजिली आ सकते हैं यहाँ पर और यहाँ इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो बने रहिए ऐसे ही, अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।